एक कैप्टन जो राय दी जनता नु रब भरोसे छड़ दिंदा है। एक कैप्टन जो सिख होके भी सिखां दीयां लाशां ते राजनीति करदा है। एक कैप्टन जो सिख दंगियां दे दोषी कमलनाथ अते जगदीश टाइटलर नु क्लीन चिट दिंदा है। एक कैप्टन जो सिखां दा कतल करन वालियां नाल मौज मस्ती करदा है। एक कैप्टन जो फौजी जवान होके भी पाकिस्तानी पत्रकार नाल रंग रलियां मनाउंदा है। एक कैप्टन जो अपने ही राज दे नौजवानां नूं नशेड़ी कहिंदा है। जी हाँ, वही कैप्टन जो लोकतंत्र नूं नहीं मानदा, वह अज भी अपने आप नूं राजा समझदा है। वह चाहुंदा है कि उसकी हकूमत नूं ही मन्या जावे। पर कैप्टन साहब, ये राजशाही नहीं, लोकतंत्र है। इत्थे जनता राजा है, ते पंजाब की जनता सब जानदी है। 84 दे दंगियां विच मारे गए सिखां दीयां लाशां ते वादियां दी खेती करन वाले कांग्रेस दे नेतावां विच हुण चोणां नूं लै के खलबली मची हुई। बिना बीज बोए बादशाह नूं वोट दे पक्के मिठे फल चाहिदे हन, मगर इन्हां दी इह चलाकी दा पर्दा फाश हो गया। सिख कौम जान गई है कि सिखां दे कातलां दे नाल पटियाला पैग बनाउंदे हन इह कैप्टन साहब। कौन नहीं जानदा कि उही कैप्टन है जिन्हां ने 84 सिख दंगियां तों बाद कांग्रेस छड्डन दा नाटक कीता। रोण वाली सूरत बना के श्रोमणी अकाली दल विच भेदी बन के आए, ते फिर अकाली दल दी पिट विच छुरा होब के भज गए। 92 विच अपनी पार्टी बनाई ते कांग्रेस विच शामिल हो गए। दरअसल कैप्टन दे लहू विच ही कांग्रेस बह रही। वो कांग्रेस जिसने पंजाब दीयां गलियां विच खून दीयां नदियां वहाईयां, जलदे होए जिस्मां ते सियासत कीती। बादल सरकार दी बुराई करके पैसियां दे रोब ते एग्जिट पोल करवा के पिछले दरवाजियां तों पाप नूं ढक्कण दी होशियारी हुण नहीं चलेगी। कैप्टन साहब, पंजाब दे लोकां नूं भ्रम विच पा के वोट दा फायदा नहीं लिया जा सकता।